हम रफ़ी चौक में जो ग्रैंड प्लाजा बिल्डिंग है उसके बाजू ओपन ग्राउंड से बोल रहे हैं। हमारी आपने एरिया के कॉरपोरेटर से और सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर से रिक्वेस्ट है कि इस ग्राउंड पर जो ओपन ग्राउंड रहने की वजह से सारे मोहल्ले का कचरा यहीं पर डंपिंग किया जा रहा है। तो प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर सारे छोटे छोटे बच्चों को खेलने के लिए प्रॉब्लम है और तरह तरह की बीमारियाँ, बुखार, वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, टाइफॉइड, डेंगू, और मैं खुद भी डेंगू से इन्फेक्ट हो चुकी हूँ और जस्ट मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई हूँ। तो इस तरह की बीमारियाँ लेकर बुखार की वजह से हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो कोई डॉक्टर हमें छूने के लिए तैयार नहीं है। तो कॉरपोरेशन वाले क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्ट करती है वो लेडी भी लाके यहीं पर डंप कर रही है डेली, मना करने के बावजूद वो नहीं सुन रही है। और सारे मोहल्ले के लोग ये कचरे का जो मैनेजमेंट है वो नहीं रहने की वजह से लाके यहीं पर फेंकते और चले जाते हैं। और कॉरपोरेशन का जो ट्रैक्टर आता है चार चार दिन के बाद आता है, कभी तीन दिन में आएगा या कभी छः दिन में आएगा पता नहीं, लेकिन इतना कचरा यहाँ पर जमा होने की वजह से तरह तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं। और अभी तो कोरोना वायरस का पीरियड है, इस पीरियड में अगर हमें सफाई मुहैया की जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं बुलंद प्रवास कॉलोनी मोहम्मद रफ़ी चौक ग्रैंड प्लाजा बिल्डिंग के पीछे वाली गली से बात कर रही हूँ। यहाँ पर कचरे का बहुत ढेर जमा होता है, पूरे बुलंद प्रवास कॉलोनी का कचरा इसी गली में लाकर ढेर करते हैं लोग। यहाँ सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं, यहाँ गंदगी बहुत फैल चुकी है, गंदी स्मेल आ रही है। यहाँ पर लोगों को ऑब्जेक्शन करने से भी लोग यहाँ के मानते नहीं, झगड़ने लगते हैं। तो मैं सिटी कॉरपोरेशन से गुजारिश करती हूँ कि जल्द से जल्द हमारी बात पर गौर किया जाए, और सबकी जानिब से मैं कह रही हूँ जल्द से जल्द ये इससे पहले इसकी सफाई का इंतज़ाम किया जाए। ये कचरे के वजह से बहुत बहुत तंग आ गए हम, महिला गली में तबाह हो गए हम, बहुत बुरी बुआ लगे। पहले तो ये बीमारियों से बस हो गए हमारा जान, अंदर ही छुप छुप को बैठने लगी है। और ये कचरा बोला तो बहुत हालत ख़राब हो रही है। पहली फुर्सत में ये क्या था इंतज़ाम करना है, का हाँ इंतज़ाम करना है गली महले में, बहुत ये हो गया, ये बहुत तबाह हो गया। देखो हमें तो ये गली की सी हाँ इससे पहले हो जाना, ये गंदी बो बहुत आने लगी है। हम भी इंसान आए क्या है बोलो, कचरा पूरा उड़को घर के सामने आने लगे, कोसे क्या बोले ना, गलीस गलीस चिंदिया माठी सभी आने लगे घर के पास। हाँ बच्चे बीमार हो रहे, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ, बीमार होने लगे क्या करना बोलो, हॉस्पिटल में नहीं देखने लगे, कहाँ देखना आप किधर जाना बोलो, सब मरने का टाइम आ गया अब ये सब। हाँ और मोहम्मद रफीक चौक के नीचे जो खुले मैदान में है सभी लोग कचरा यहाँ पर लाकर डाल रहे हैं, और इतना गंदगी हो गया है कि उस तरफ से मच्छर वगैरह होकर क्या है बीमारियाँ आ जा रहे हैं, डेंगू, मलेरिया, ऐसे सब बीमारियाँ आ जा रहे हैं। और हॉस्पिटल गए तो हमारे कोई इलाज करने के लिए रेडी नहीं है, हमारे पास कोई छूने के लिए रेडी नहीं है। कैसा करना, हम बीमार पड़ गए तो इसके जिम्मेदार कौन है बोलो आप। इसलिए क्या करना, कॉरपोरेशन वालों से रिक्वेस्ट है कि ये कचरा क्या है धूल डालने के लिए कहे, या टमटमा वगैरह का इंतज़ाम करें महले में, टमटमा कचरा डाले तो रोज़ का रोज़ सफाई चले जाती है। इसलिए क्या आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सब क्या है इसका इंतज़ाम करें तो अच्छा रहता है। और क्या है, और ट्रैक्टर वाले क्या है आ रहे नहीं, चार दिन पाँच दिन में एक बार आ रहे हैं, इतना गंदा, ये तो बारिश है, बारिश की वजह से पूरा बुरी स्मेल आ रही है उसकी। इसलिए क्या है आपको, आपसे दरख्वास्त है कि ये सब कचरा क्या दूर करें या टमटमा का इंतज़ाम करें इस महले में आकर, जल्द से जल्द क्या इसका इंतज़ाम करो तो अच्छा रहता है। एक तो बकरीद ईद आ रही है, और इसमें से क्या बहुत सारे लोग आया पूरा लगा कर डालते हैं, बकरीद का जो भी सामान है लगा कर डालते हैं, इतनी बदबू आती है कि हम बैठ नहीं सकते हमारे घर सामने, उतनी बदबू आती है। इसलिए बकरीद से पहले इंतज़ाम करो तो आपसे बहुत ये होता है, आपको मेहरबानी होती है, जल्द से जल्द क्या है उसकी कार्रवाई करें आप। ये सब हम लोग हैं सब क्या आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं, कि म्यूनसिपालिटी वाले हो या कॉरपोरेशन वालों से दरख्वास्त कर रहे हैं।